देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव शीट नंबर 30 का, ब्लॉक जिसका मास 1 kg है लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक, तो ये बन गया बड़ा ट्रक और ये इसकी सरफेस 1 kg का ब्लॉक है और उसने कहा लाइंग है तो मैंने माना कि वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट है। और अगर ये मूव कर रहा होता, ये कुछ बात ऐसी बोलता कि ये मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और नॉट, तो लाइंग है तो रेस्ट पे ही है। आगे द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सर्फेस इज 0.6, तो म्यू मेरे को सर्फेस का पता है 0.6 है। अब अगर एक्सेलेशन ऑफ द ट्रक 5 है तो ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है और हमने हमेशा सीखा अगर बस या कार या ट्रक एक्सेलरेट करेगी तो अंदर का ब्लॉक पीछे की तरफ क्या एक्सपीरियंस करेगा, सूडो फोर्स। तो ये ब्लॉक के पीछे फोर्स लगेगी कितनी, 1 × 5 5 न्यूटन की सूडो फोर्स है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो 101% हमने पहले भी डिस्कस किया था ये ब्लॉक आपको यहाँ मिलेगा दीवार पर टक्कर मारता हुआ, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन है और ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है ट्रक के चलने के बावजूद भी, तो किसने बचाया होगा, फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है वो ये पूछ रहा है, भाई जो तुमने फोर्स अप्लाई की क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो दिस इज अ केस ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुमने कितनी फोर्स अप्लाई की पीछे लेके जाने के लिए, 5, तो फ्रिक्शन ने भी कितना रोल किया होगा, 5, ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू 5 है। इसमें म्यू का कोई रोल नहीं है, पर अगर आप चेक करना चाहें कि म्यू का रोल क्यों नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं, कई लोगों ने ऐसा किया भी होगा कि आपने इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की चेकिंग की होगी, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, और अगर ये मैं चेक करना चाहता हूँ तो म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन से चेक भी हो जाएगा, म्यू एस की वैल्यू है कितनी 0.6 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 1 × g, तो कितना आंसर आ रहा है आपको इसमें, 6 न्यूटन, यानी कि इस बॉडी को हिलाने के लिए 6 न्यूटन चाहिए पर सूडो फोर्स कितनी लग रही है, 5 न्यूटन, तो भाई म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से 6 मत पुट कराना क्योंकि इसको हिलाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक 6 है पर अप्लाइड फोर्स 6 थोड़ी ना, अप्लाइड तो 5 है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आंसर क्या मार्क करेंगे, 5 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा है रूल क्या है इसमें, कोई डाउट इसमें क्लियर है, तो आप पहली बार तो काफ़ी लोग तो यही मार्क कराएंगे, अब मैं आपको टेस्ट के अंदर दिखा भी दूंगा आपको, लोग देखना मैं फंसाऊंगा फंस जाएंगे कुछ नहीं करेंगे, अगर पेपर अच्छा होगा कैसे हो गया जी 6 न्यूटन आंसर आ गया था, फिर टेस्ट के बाद चेकिंग बढ़ाने भी आएंगे सर देखना ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया आपने, 6 न्यूटन है भाई, तो देख तो ले मैक्सिमम फोर्स रिक्वायरमेंट 6 न्यूटन है, इससे कम ना हिलेगी भी नहीं और तुमने तो 5 लगाई है, तो 6 मत मार्क करना 5 मार्क करना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बॉडी वेइंग 20 kg जस्ट स्लाइट, देखो ये जस्ट ना जस्ट को जस्ट मत लो, मैं बता रहा हूँ ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है जस्ट, जिस क्वेश्चन में जस्ट एबल टू मूव हो, जिस क्वेश्चन में जस्ट स्लाइड डाउन हो, भाई वहाँ तो मैं देखते बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन पक्का 0 है, तो ये जस्ट वर्ड बंदा सोचते हैं कोई अंग्रेजी का वर्ड होगा फर्क क्या पड़ रहा है जस्ट जस्ट करने, तो ऐसा नहीं है, वो जस्ट जरूर लगाता है जब वो एक्सेलरेशन 0 करनी होती है, मैंने आपको लिखवाया भी था जस्ट एबल टू मूव, तो जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब पक्का एक्सेलरेशन 0 चाह रहा है वो, और राइजेस 5 m in 13, 5 in 13 का मतलब होता है ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा 5/13, हमने पहले भी डिस्कस किया था 5 in 13, हमने किया था एक न्यूमेरिकल में, स्लोप 1 in 5, तो साइन थीटा 1/5, चलो द्वारा कर लो, कौन सा कोई 10 मिनट लगेंगे, लो 30 सेकंड भी नहीं, तब 5 सेकंड लगेंगे, अगर आपको ऐसा दिख जाए 5 m in every 13, 5 m हाइट चेंज हो रही है इन एवरी 13, तो इसका मतलब साइन थीटा 5/13 है, तो 5 in 13 का मतलब साइन थीटा 5/13 है, तो ये कितना आ गया 12। अब क्वेश्चन है आपने एक ब्लॉक को रखा, आप ये चाहते हो ब्लॉक मूव ना करे, आप चाहते हो ब्लॉक मूव ना करे क्योंकि उसने कहा जस्ट स्लाइड्स डाउन, ओके ब्लॉक मूव ना करे या ब्लॉक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे एक ही बात है, क्योंकि जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब है कि वो चाहता है कि एक्सेलरेशन 0 हो, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि वेलोसिटी क्या रहे, कॉन्स्टेंट, या वो रेस्ट पे रहे, एक ही बात होती है। आगे कह रहे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अब मुझे एक बात बताओ जस्ट का केस क्या होता है, जस्ट का मतलब लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस पता है क्या बोलते हैं, लिमिटिंग केस का मतलब है कि आपके जो है आपका जो केस है बिल्कुल उस बाउंड्री पे है कि बॉडी रोकी भी जा सकती है और मूव का केस भी लिया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं मान लो इस बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितनी थी, इस बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड थी मैक्सिमम स्टैटिक
इतनी फोर्स से बॉडी हिलती है, इससे कम नहीं हिलेगी, इससे ज्यादा हिलेगी, और ये केस है बॉडी जस्ट एबल टू मूव, बस हिल गई, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो नीचे की फोर्स कम से कम मैक्सिमम स्टैटिक के इक्वल तो पक्का ही है। या शॉर्टकट भी मार सकता हूँ, शॉर्टकट क्या मारेंगे बोलो, किसी को एक टॉपिक याद है हमने किया हुआ है, जस्ट स्लाइड्स डाउन, जस्ट स्लाइड्स डाउन का टॉपिक कभी किया तुमने ऐसा कोई टॉपिक? दो मिनट पहले किया, एंगल ऑफ रिपोज, यही तो था एंगल ऑफ रिपोज, क्या था एंगल ऑफ रिपोज, यही तो था, बॉडी जस्ट एबल टू मूव थी या वहीं रेस्ट पे पड़ी हुई थी जब नीचे और ऊपर की फोर्स तुमने बराबर की थी, और ऊपर की फोर्स क्या ली थी, मैक्सिमम स्टैटिक। ये वही केस है एंगल ऑफ रिपोज वाला, क्योंकि बॉडी को मूव करवाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक चाहिए और तुमने क्या अप्लाई किया, mg sin थीटा। तो अगर ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या मानी जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, और वो यही बोल रहा है एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन जीरो के लिए नीचे और ऊपर की फोर्स को मैंने इक्वेट कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल, आंसर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और tan थीटा उस ट्राइंगल से मैं निकाल सकता हूँ 5/12, तो म्यू की वैल्यू 5/12। वैसे अगर आप मेरे से पूछो तो मैं एंगल ऑफ रिपोज का टॉपिक मेरे को तो भी याद ही है, तो मैं तो सीधे मार्क कर दूंगा tan थीटा म्यू आंसर है, क्योंकि नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स जब बराबर करते हैं तो tan थीटा म्यू ही स्टैंडर्ड आंसर आता है, और कोई आंसर आता ही नहीं है। बट चलो, आपको नहीं क्लिक करेगा इतनी जल्दी, आप ऐसे ही सीखो, आप नीचे की फोर्स निकालो, आप ऊपर की फोर्स निकालो, और आप नीचे और ऊपर की फोर्स को इक्वेट कर दो। समझ में आ रहा है ये स्टेप कैसे करना है, क्योंकि जब आप नीचे और ऊपर की फोर्स को इक्वेट करेंगे तो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, उस दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या रखी जाएगी, जीरो। एक ही बात है, पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं इसीलिए असाइनमेंट डिस्कस कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ना लोग ना मतलब म्यू एन कर दो फर्क नहीं पड़ता, फिर वो दो महीने बाद सोचते हैं जब अंदर से सच में पढ़ना शुरू करते हैं, फिर म्यू के पैर में के और एस तो लिखा ही नहीं, तो ये है क्या म्यू, तो ऑब्वियसली ये म्यू एस के साथ काम चल रहा है, म्यू के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो म्यू एस काम करेगा। तो ये वाली फोर्स काइनेटिक नहीं है, ये फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक ये पॉइंट, कोई डाउट इसमें? कितनों का ये क्वेश्चन हुआ? देखो क्वेश्चन है, अ स्कूटर वेज 120 केजी फोर्स, 120 केजी फोर्स का मतलब अगर मैं फोर्स हटा दूं अकेला मास बच जाएगा, 120 किलो का स्कूटर है। आगे, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट व्हील स्टॉप रोलिंग एंड स्टार्ट स्केटिंग। भाई देखो, कहता रोलिंग का तो केस ही नहीं है, घिसड़ता हुआ जा रहा है स्कूटर, तो कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक, सोचने की भी जरूरत नहीं है, टायर तो घूमने बंद हो गए, ब्रेक लगा दी तो स्लिप होता हुआ जा रहा है, तो फिर ये काइनेटिक है, और अल्टीमेटली स्कूटर रुक गया। तो वी इज इक्वल टू जीरो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। बस मुझे ये बताओ, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने वाला है, क्यों? अगर ये टायर एक्सलरेट करता तो फ्रिक्शन हेल्प करती, ये स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शन रुकेगी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रूल क्लियर है यहां तक? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, म्यू आपको गिवन है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन 120 किलो का क्या होता है, 120 जी। तो यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई, 480। अब यहां तक आंसर छोड़ा जा सकता है 480, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कई बार ऑब्जेक्टिव ABCD में आपको आंसर न्यूटन में ना देते हुए केजी फोर्स में दे सकता है, KGF। तो ऐसे केस में अगर आपने न्यूटन को KGF में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है जी के साथ, जी का मतलब जी के साथ 10 के साथ, तो आंसर 48 KGF, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था KGF से न्यूटन में जाने के लिए 9 जी से मल्टीप्लाई, और न्यूटन से KGF में जाने के लिए जी से डिवाइड, तो डिवाइड करके आंसर आ गया 48 KGF। अब ये डिपेंड करेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, अगर सब्जेक्टिव है फिर तो कैसे भी लिख दो, अगर ऑब्जेक्टिव है फिर आपको ध्यान से वही ऑप्शन मार्क करने जो आपका आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ये शीट NCERT की शीट है, मैं पहले बता दूँ आपका स्कूल लेवल का जो एग्जामिनेशन है वो इस टाइप का आता है, NCERT की शीट चेक करो कैसी मिलेगी आपको, ठीक, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ आ जाए बात अलग है, आए हुए हैं, मैंने मेन्स के पेपर चेक किए हैं अभी, इसमें से भी इक्का दुक्का तो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें से, कोई बड़ी बात नहीं है।
उसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा तो मैंने फोर्स बता दी, मतलब वो रिटार्डिंग है, वो तो मेरे को पता ही है रिटार्डिंग है, ठीक। डायरेक्शन नहीं पूछी उसने, मैग्नीट्यूड है। कितनों का ये क्वेश्चन हो गया? देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड ऑफ वी, तो देख रहे हो वी स्पीड से एक बॉडी मूव कर रही है। इफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज म्यू, शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड, मतलब उसको रुकना है, रुकने का मतलब यहां पर रिटार्डेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मार्क करनी है? जीरो, उसको रुकना है। तो यहां पर फ्रिक्शन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, एक्सलरेटिंग की रिटार्डिंग? रिटार्डिंग, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन ही है। तो इसके अंदर मैंने क्या सिखाया था कि इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस पुट करके एस निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस है, तो जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज टू ए एस। पर रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या पुट करेंगे? एम ए, क्योंकि एक ही फोर्स है, मैं तो जाके टच नहीं कर रहा इसे, एक ही फोर्स है जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि रिटार्डेशन है तो ये नेगेटिव, और अगर ये एक्सलरेटिंग फोर्स होती तो ये पॉजिटिव। जैसे टायर वाला केस होता, टायर के केस में ये पॉजिटिव रखी जाती है ताकि एक्सलेशन पॉजिटिव आए, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। और स्लाइडिंग के केस में ये, काइनेटिक के केस में ये नेगेटिव रखी जाती है। तो माइनस म्यू टाइम्स एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो ए क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, माइनस म्यू जी। इस वैल्यू को उठा के इस ए की जगह पुट कर दे माइनस म्यू जी, सॉल्व करें, माइनस माइनस कैंसिल, एस की वैल्यू आ गई, आंसर मार्क कर लें। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? अटिपिकल एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस हैं, आप अपने एनसीईआरटी खोलेंगे आपको यही असाइनमेंट मिलने वाली है ऐसी, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी पुलिस, कोई बड़े बड़े इंक्लाइन प्लेन्स नहीं आते, बेसिक आता है, तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इवन कॉम्पिटिशन के अंदर भी अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े खतरनाक डायग्राम नहीं दिखेंगे आपको, बेसिक डायग्राम दिखता है। पीवाईक्यू की बुक है, खोल के देख लेना, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। बाकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं इस टाइप की, मतलब एक तो ना बंदा सोचता पुली ज़्यादा आएगी, नहीं पुली ज़्यादा नहीं आएगी, ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी जहाँ पर आप अपने केस को इमेजिन कर पाते हो। तो तभी कहते हैं ना एनसीईआरटी और बेसिक बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं, ताकि आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें क्या करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर से, एक गाड़ी चल रही है, उसकी वेलोसिटी वी है, ब्रेक अप्लाई की, गाड़ी रुक गई, कितने डिस्टेंस पे रुकी वो आपको बताना है, एस। किसने रोकी? फ्रिक्शन ने रोकी, तो फ्रिक्शन यहाँ रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। तो मान लो रिटार्डेशन ए है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एम ए, पर फ्रिक्शन की वैल्यू के आगे साइन नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, एम एम कैंसिल, रिटार्डेशन आ गई। इसके लिए अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, जीरो स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज टू ए एस। इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट करो, माइनस माइनस कैंसिल करो, एस निकाल लो, आंसर ये निकालना है वी स्क्वायर बाई टू म्यू जी, ये प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन गिवन ही होगा। मेथड समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट इसमें? मतलब आपको पढ़ते हुए ना ये अपने मन से पूछना है कि ये मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, और अगले दो तीन क्वेश्चन में मैं नेगेटिव क्यों नहीं लगाऊंगा। तो अभी मैं नहीं लगाऊंगा तो बताऊंगा क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, जहां फ्रिक्शन एक्सेलरेट करवाती है वहां पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगी, और जहां रिटार्ड करती है वहां नेगेटिव, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर से एक बार एस निकालना है। इफ इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10, तो एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और वो रेस्ट पे आ गई, वी इज इक्वल टू जीरो। आपको इस क्वेश्चन में म्यू भी पता है 0.4, और आपको एस निकालना है। ये वही रिपीट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन अभी किया। तो इसमें क्या करना होगा हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस अप्लाई करना है। तो जीरो स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज टू ए एस। अब एस निकालने के लिए आपको ए चाहिए। अब यहाँ पर कौन रोक रहा है इस बॉडी को? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर एक्सलरेट कर रहा है कि रिटार्ड ना, वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन है।
वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन है, तो साइन क्या लगेगा? माइनस माइनस। तो माइनस म्यू टाइम एम जी इज इक्वल टू एम ए। फिर एक्सेलेरेशन सेम यहाँ पुट करेंगे, इस बार म्यू पता है, जी पता है, एस निकालना है, एस की वैल्यू आएगी। तो आप लोग ये सोच पा रहे हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती है या एक्सेलेरेशन, ज़्यादातर केस में रिटार्डेशन ही करती है, रुकती है, बस वो साइकिल वाले केस में, टायर वाले केस में एक्सेलेरेशन करती है, बाकी जगह नहीं करती। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ हाँ तुम याद कर पाओगे तो ज़रूर करो, याद नहीं कर पाओगे तुम आज कर लोगे, फ्रिक्शन के टेस्ट तक भी कर लोगे, एक साल बाद पूछूंगा ना, मेरे को भूल जाता है, नहीं कर बिल्कुल भी, बिल्कुल फॉर्मूला मिनिमम, मतलब जितनी कोशिश हो सके बिल्कुल नहीं याद करने फॉर्मूले, बस ऐसे ही काम चल जाए तो कामयाब हो। अगर फॉर्मूले करने बैठ गए फिर आप कहोगे सर मैं रात को पढ़ के आऊँगा, पूरी रात फॉर्मूले याद करूँगा तब टेस्ट दूंगा, तो फिर गलती गड़बड़ भी हो जाएगी, भूल जाओगे। आंसर नहीं आ रहा है, चल जी का चक्कर होगा तो 9.8 लिया होगा, मैंने 10 ले लिया, इतना चला ले चला ले, इतना चला ले, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मोटर कार रनिंग एट अ रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक मोटर कार है 7 मीटर पर सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक इन 10 मीटर। तो इस बार एस दे दिया, तो मोटर कार रुक रही है तो वेलोसिटी फाइनल जीरो है, तो फिर से इस बार रिटार्डेशन होने वाली है। शो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन क्या होती है भाई? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है यहां पर? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको प्रूव करना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू इसमें है वो कितनी है, वो 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द कार है, ये प्रूव करना है। और मुझे वेट तो बिल्कुल गिवन भी नहीं है कार का, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका मास एम है, तो एटलीस्ट चलो मैं इसमें फ्रिक्शन निकालना चाहता हूँ, ये तो बात पक्की है, मैं इसमें फ्रिक्शन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि ये वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s अप्लाई करके 0² - 7² = 2 × a × 10। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? रिटार्डेशन सॉल्व करके -2.45 आ गई, राइट ये आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? जो कि 2.45 जो होता है वो g बाय 4 के इक्वल होता है, g 9.8/4। आपको ये कैसे, मतलब अपने को क्या सपने भी आते हैं ऐसे फिजिक्स में, बीच में मतलब इतनी फिजिक्स भी आ जाती है, हम नंबर से क्या बता देते हैं g बाय 4, नहीं मेरे को नहीं आते, उसने बोला प्रूव करो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एम जी बाय 4 के इक्वल है, तो g बाय 4 m इंटू g बाय 4, तो g बाय 4 जी बाई फोर एक्सेलेशन कैलकुलेट करो, वही आ रही है कि प्रूव भी तो करना है ना, तो वहां से हिट किया, जी बाई फोर ही होता होगा, वैसे नहीं करता तो कोई बात नहीं, इसको एक और माइनस 2.45 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर क्लिक करता है, कैसे क्लिक कर रहा है समझ में आ रहा है? वो स्टेटमेंट में खुद ही तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो ना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसमें, वो इसमें रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रही है, साइड पर यह भी बता देता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रही है, तो माइनस लगा के एम ए, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? जी बाई फोर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है इसमें? एम जी बाई फोर, ये तो प्रूव करना था, तो उल्टा भी ट्रू है, ये मुझे प्रूव करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी बाई फोर है, एम इन टू जी बाई फोर, तो पता लग ही रहा है भाई एक्सेलेरेशन है, वहाँ से मैच करके देखो तो सही कि मेरी क्या आई है और इसकी क्या आई है जी बाई फोर, अपने आप हिंट मिल जाएगा कि जी बाई फोर ही है, हो गया प्रूव। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे, मतलब स्टेटमेंट में से ही हिंट निकाला गया है, वैसे तो पूरी जिंदगी लगा रहूंगा तब भी नहीं बता पाऊंगा जी बाई फोर है, नहीं तुम बता दोगे 8.67 क्या होता है, जी के साथ रिलेशन क्या है, कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नंबर देके जी के साथ रिलेशन कैसे निकलेगा यार, तो हाथ पेन को हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट में से ही जो है हमने लगाया इसमें, हाँ कर सकते हो, ठीक है एक स्टेप फालतू कर लो, आप पहले म्यू निकाल लोगे फिर म्यू टाइम एम जी निकाल लोगे, आंसर कर सकते हो, पर मेरे को ऐसे ही क्लिक कर गया, मैंने कहा ऐसे ही कर देते हैं,
समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? एक बार एक्सेलेशन पकड़ में आ गई, जी बाई फोर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में एम ए है। वो तो हर केस में, स्लाइडिंग के हर केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम ए ही तो होता है, वही तो रोक रहा है इसे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम एन की जगह एम ए से आंसर आ गया। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, देख लो अच्छे से। पता है क्यों? अगली बार टेस्ट है क्लास के बाद, भूल गए संडे के टेस्ट से, रिहर्सल टेस्ट तो लेते ही हैं हम थोड़ी और पक्की तैयारी के लिए, तो मतलब संडे का भी टेस्ट है। संडे का टेस्ट तो फ्रिक्शन ज़्यादा है ही है और फोर्स भी है, फोर्स फ्रिक्शन हो तो। अब देखो जब मैं फ्रिक्शन बोलूँगा ना तो कोई ये ना कहे सर देखो फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल निकालना फोर्स का आ गया। भाई फोर्स तो अब आपके डीएनए में जा चुका है, वो तो कभी भी कोई पूछ सकता है। फोर्स तो बाई डिफॉल्ट आ सकती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी बात अलग है। अगली बार मोमेंटम कंजर्वेशन का टेस्ट है जिसमें वो एम वन वी वन एम टू वी टू के न्यूमेरिकल्स होंगे तीन चार, और ये शीट को करके आना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी होंगे और फ्रिक्शन के जितने क्वेश्चन आपने हाथ से लिखे हुए हैं वैसे ही न्यूमेरिकल होंगे, कुछ भी बार से नहीं आएगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक या दो क्वेश्चन जो होंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो हमने की उन्हीं में से। भाई मैं चेक पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट खाली पेज पर फ्रिक्शन के बेसिक क्वेश्चन भी कर नहीं पा रहा मतलब उसको अभी पकड़ लेना चाहिए, दो महीने बाद तो फिर वो मेरे को भी पकड़ नहीं पाएगा यार कि मैं आगे चला जाऊंगा। अभी तो फिर भी कुछ हो सकता है, बाद में नहीं कुछ होगा, तैयारी करके आना। नेक्स्ट तो देखो नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। अब वो पावर कहां से आ गई? देखो एक चैप्टर आने वाला है नेक्स्ट मंथ आएगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। पावर जो होती है वो वर्क डन बाय टाइम होती है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। तो ये फॉर्मूला नोट करें, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। जो पावर होती है फोर्स और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर तुम फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो आपके पास पावर आ जाएगी। अब देखो उसने क्या कहा, वेलोसिटी तो 50 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन का मास भी है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। भाई जब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम्स एम जी। एम पता है, जी पता है, म्यू पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। आप बस मुझे एक चीज़ बताओ इसमें, ध्यान से सुनना, मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि पावर आ जाए, ताकि पावर आ जाए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों? उल्टा इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। देखो गाड़ी जो चल रही है वो इंजन है, इंजन तो खुद ड्राइव करता है, वो तो खुद भागता है। उसमें हाँ हो रही है तो फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई क्यों किया? मुझे तो इंजन की फोर्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे तो पावर इंजन की निकालनी है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए, हाँ कायदे से ये होना चाहिए कि अगर ये मेरा इंजन है और इंजन की अपनी फोर्स है, इंजन समझते हो ना, गाड़ियों के इंजन होते हैं, वो उसकी फोर्स को आगे लेके जा रही है, और जब ये आगे जा रही है तो यहाँ पर क्या लग रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैंने इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि मेरे को तो इंजन की फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ये एक ही बात है, क्या जीरो होगी? फोर्स जीरो क्यों होगी? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होगी, फोर्स जीरो नहीं होगी। इंजन तो फोर्स लगा रहे आगे और पीछे फ्रिक्शन है, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आगे की और पीछे की फोर्स बराबर है। तो यानी कि जो इंजन की जो फोर्स लग रही है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, क्योंकि आगे की फोर्स तो इंजन की फोर्स है, पीछे की फ्रिक्शन है। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो या तो इंजन रेस्ट पे है या फिर मूव कर रहा है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेट क्या हो गई? जीरो। तो इसलिए तुम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। पर टेक्निकली मुझे ये करना चाहिए था, पहले मुझे इंजन की फोर्स निकालनी चाहिए थी और इंजन की फोर्स को मुझे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो पावर आएगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके कौन सी पावर आती है? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की पावर तो पूछी भी नहीं उसने, उसने इंजन की पावर पूछी। तो इंजन की पावर के लिए मुझे ये करना चाहिए था कि जो ये इंजन है, इंजन की पावर इज इक्वल टू इंजन की जो फोर्स है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था वेलोसिटी के साथ,
और इंजन की जो फोर्स है वही इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स लगा दी। सही है, मतलब आपको टेक्निकली समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए था और मैंने शॉर्टकट में क्या मार दिया, क्योंकि आंसर निकालना बड़ी बात नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, लेकिन उस क्वेश्चन की उस चीज़ को पकड़ना कि फोर्स कौन सी लगनी चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये क्वेश्चन छूटा है कल को बड़ा क्वेश्चन बना देगा और फिर आपको वो फोर्स याद आएगी, क्योंकि अगर उसने ये मान लो एक्सेलरेशन दिया होता इस केस में इंजन का, फिर तुम क्या करते, फिर तो तुम्हें फोर्स निकालनी पड़नी थी ना, क्योंकि फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम ए होता, तो इसलिए सही बोलना चाहिए फोर्स इंटू वेलोसिटी होगी और फोर्स फ्रिक्शन की होनी होगी, फोर्स इंजन की होगी, पर इस केस में इंजन की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए चलेगा इसमें, हर क्वेश्चन में नहीं चल सकता। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, मतलब आंसर निकालने में बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम कुछ भी कर लोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वैसी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा, बात आंसर की है ही नहीं, तभी तो डिस्कशन हो रही है ताकि आप एटलीस्ट उस एंगल पे सोचें जहाँ आपको सोचना है। ठीक है, आंसर निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टेक्निकली सही होने चाहिए कि आप कैसे सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट हो गया। देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। चिंतन आरंग क्रम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन वेइंग 1000 क्विंटल्स, क्विंटल एक क्विंटल 100 किलो का होता है, तो 1000 क्विंटल्स है तो इतने केजी हो गए 100 से मल्टीप्लाई करके, रनिंग ऑन अ लेवल रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर आर मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लेना। आगे, इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अमाउंट टू 50 केजी वेट पर क्विंटल, ध्यान से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रहे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 50 केजी वेट पर क्विंटल, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 50 केजी वेट पर क्विंटल, पर यहाँ पर तो 1000 क्विंटल है, तो टोटल फ्रिक्शन क्या होगी, ये एक क्विंटल की फ्रिक्शन है, 1000 क्विंटल की फ्रिक्शन के लिए 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये टोटल फ्रिक्शन आएगी जो कि 50 ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो ग्राम वेट की जगह क्या आ गया केजी वेट। ठीक है, यूनिट्स कन्वर्जन क्लियर है, तो ग्राम वेट की जगह केजी वेट, तो क्विंटल से क्विंटल कैंसिल, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 50 केजी वेट आ गया, तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1000 क्विंटल की 50 केजी वेट आ गई, और अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इससे सारी गेम ही कन्वर्जन की और कुछ है ही नहीं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। क्या निकालना है, पावर निकालनी है, बस फिर तो हो ही गया, जब आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स ही आ गई और वही सेम गेम इंजन की पावर निकालनी है तो फ्रिक्शन के इक्वल होगी, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो तुम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही वेलोसिटी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, पर कायदे से इंजन की फोर्स को मल्टीप्लाई करना था, पर इंजन की फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी पावर की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? मैंने बताया फ्रिक्शन जो है ना 50 ग्राम वेट पर क्विंटल है, पर हमारे पास जो इंजन है वो एक क्विंटल का नहीं है, इसने फ्रिक्शन एक क्विंटल की दी, हमारे पास 1000 क्विंटल है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्विंटल क्विंटल कैंसिल, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, सॉल्व करके इतना केजी वेट टोटल फ्रिक्शन आ गए,
और न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई। तो ये फोर्स आ गई, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, पावर आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कितनों का ये हो गया? बहुत सही है। देखो इसमें एक ही ट्रिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मास का ट्रिक है थोड़ा सा। क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू इज इक्वल टू जीरो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेट एट अ मैक्सिमम रेट पॉसिबल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रोड। विदाउट स्लिपिंग समझते हो, स्लिप नहीं करेगा टायर, घिसड़ के नहीं जाएगा, तो कानेटिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, स्टैटिक होगी, और जो भी फ्रिक्शन होगी वो इसमें एक्सलरेशन जनरेट करेगी, रिटार्डेशन नहीं करेगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं स्लिप कर रहा है तो रुक रहा है, रिटार्ड कर रहा है, जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो स्किडिंग है, तो रिटार्डेशन है, और जब आप ये बोलते हो नो स्किडिंग तो रोलिंग है, टायर ठीक रोल कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें एक्सलरेशन जनरेट कर रही है, रोक नहीं रही, तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ होगी? आगे, जो एक्सलरेशन जनरेट करेगी। इसीलिए तो पूरा टॉपिक शुरू किया आज का, इस क्वेश्चन की वजह से ही मेरे को आज का लेक्चर किसी और तरीके से शुरू करना पड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो जो स्टार्टिंग थी वो इस क्वेश्चन ने स्टार्ट करवाया कि मैं क्वेश्चन करके आया था, और मुझे पता है यहाँ गड़बड़ होगी, क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, कभी फ्रिक्शन आगे ले लेता है, कभी पीछे ले लेता है, तो स्लाइडिंग के केस में हमेशा पीछे है, और रोलिंग के केस में एक्सलेशन प्रोवाइड करनी है तो आगे है। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि ठीक है, वो आगे मूव करना चाहता है, एक्सेलेरेट करना चाहता है, म्यू एस गिवन है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा म्यू एस क्यों है, रोलिंग में म्यू एस होता है, म्यू के नहीं होता, तो लोग ये भी पूछते हैं कि सर म्यू के क्यों नहीं है, तो स्लाइडिंग कर रहा है, ये तो आगे टायर बढ़ रहा है, इसको तो कानेटिक होनी चाहिए थी, पर आज हमने लेक्चर स्टार्टिंग में क्या किया कि टायर का मूव करना स्टैटिक फिक्सिंग का केस है, कानेटिक का बिल्कुल भी नहीं है, कहीं रगड़ नहीं खा रहा, बताया था मैंने। तो अब ये भी बात समझ में आ रही है म्यू एस क्या है, म्यू एस क्यों दिया, म्यू के क्यों नहीं दिया। If only the rear wheels are driven and half the weight of the automobile is supported on these wheels, वो कह रहे हैं जी पिछले टायरों में ही पावर है, अगले में पावर है ही नहीं, तो पिछले टायर का डायग्राम बन गया, और वो कह रहे हैं पिछले टायर पे जो भार है वो आधा इंजन का वेट है, तो अगर टोटल मास पूरी गाड़ी का m है तो वेट mg है, तो पिछले टायर का वेट कितना है, mg by 2। दो टायर का डायग्राम है, एक ये रहा, एक बोर्ड के पीछे है, मैं दिखा नहीं रहा आपको, ऐसे दो टायर हैं, टायर के पीछे टायर है, ऐसे दिख रहा है, तो दो टायर्स हैं, कहीं सोचो एक ही टायर पे गाड़ी चल रही है, ऐसे है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो दो टायर आमने सामने ऐसे हैं, आपको पिछला दिख नहीं रहा, अगला दिख रहा है, तो आपका एक ही डायग्राम चल रहा है, तो टोटल वेट गाड़ी का mg by 2 है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी mg by 2 है। अब गाड़ी चल रही है, वो कह रहा है गाड़ी को कितना लेके जाना है, 100 km/h तक लेके जाना है, कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन है, ताकि वेलोसिटी 100 km/h हो जाए, और 100 km/h होता है 27.7 m/s, मैं घर से कन्वर्ट करके लाया हूँ, आपको करनी पड़ेगी, मैं तो घर से करके लाऊंगा ना, कैलकुलेटर से करके लाया हूँ मैं, ठीक है, तो आप खुद करेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें क्या लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at, और तुम्हें क्या ढूंढनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन। अब बात यह है कि इसमें जो फ्रिक्शन है फिर से m में, आज स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर बता दिया था कि f तो m में रहेगा, पर इस बार फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, वेलोसिटी गाड़ी की बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तुम अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ना एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो एक सिंपल चीज देखो, गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो यह नेगेटिव आएगी एक्सेलरेशन, और अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगी एक्सेलरेशन। इसमें गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, रेस्ट से होती होती गाड़ी 100 km/h पे चली गई, तो यह रिटार्डिंग नहीं एक्सेलरेटिंग फोर्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, पॉजिटिव। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन क्या पुट करेंगे, एम जी बाई टू, लेकिन गाड़ी में जो गाड़ी, देखो ये जो फोर्स है ये ना पिछले टायर जनरेट कर रहे हैं फ्रिक्शन, पर चल तो पूरी गाड़ी रही है ना, तो एक्सेलरेट तो पूरी गाड़ी रही है, पूरी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो पूरी गाड़ी का मास लिया, पर फ्रिक्शन किसने जनरेट करनी है, पिछले टायरों ने, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी बाई टू लिया, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ एम, यहाँ भी एम होता है, यहाँ पे m by 2, यहाँ भी m by 2 होता है, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ तो m by 2 है पर यहाँ पर m है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों,
क्योंकि फ्रिक्शन तो पिछले टायरों से आ रही है, पर वो फ्रिक्शन पूरी गाड़ी को ड्राइव कर रही है, पूरी गाड़ी की फोर्स क्या बनेगी, मास ऑफ गाड़ी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ गाड़ी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए आएगा, तो ए आ गया, बस हो गया फिर तो। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, वी पता है, यू जीरो है, एक्सीलरेशन आ गई, टाइम निकाल लो आंसर। पर ये ट्रिक समझ में आया कि गाड़ी का वेट नॉर्मल रिएक्शन आधा लेना है और इज इक्वल टू एम ए लेना है, एम बाई टू ए नहीं लेना, एम ए लेना है, ठीक है यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई डाउट इसमें? बेल्ट वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम सूटकेस रखा गया था चलती बेल्ट पे, अब तो ये रट गया होगा। कैसे? जब आप सूटकेस रखते हैं, मैंने बताया था फ्रिक्शन हेल्प करती है इसे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी बेल्ट जितनी हो जाएगी, बेल्ट की स्पीड तीन है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 है, हाउ फार द सूटकेस मूव, ताकि वो किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट पे कैसे, बेल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस्ट पे आ चुका है, यानी कि एक्चुअल में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्पीड क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो आप इसके लिए अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2ass आपको निकालना है, पर एक्सलेशन निकालनी पड़ेगी। इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन ब्लॉक पे कहाँ लगेगी, आगे की तरफ, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फ्रिक्शन हेल्प कर रही है ब्लॉक को बेल्ट के साथ मूव करने के लिए, तो ये एक्सेलरेटिंग फोर्स जनरेट करेगी, तो यहाँ साइन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो म्यू एम जी इज एम ए, एक्सलेशन म्यू जी, पुट कर दो ए की जगह, म्यू पता है एस आई। तो वैसे एक चीज़ देखिए पूरी असाइनमेंट में, एक्सलेशन या तो म्यूजी होती है या माइनस म्यूजी होती है, माइनस म्यूजी तब होती है जब स्पीड घट रही होती है, प्लस म्यूजी तब होती है जब स्पीड बढ़ रही होती है, तो ये तो स्टेप बार बार करके आपको रट ही गया होगा, ये तो मेरे ख्याल से पेपर में आप सॉल्व ही नहीं करोगे, सही है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अ ट्रक मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये पूरा ट्रक है 72 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है, कैरीज अ स्टील, पता नहीं क्या कुछ भी, एक बॉक्स रखा हुआ है अंदर, कुछ भी नहीं और रेस्ट पे है, ऑन द वुडन फ्लोर, तो बताने मिनिमम टाइम इन विच ट्रक कैन कम टू स्टॉप। देखो ये कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है रेस्ट पे और ये हिलना नहीं चाहिए, पता लगे ट्रक का डोर तोड़ता हुआ बाहर सड़क पे गिर गया, ये नहीं होना चाहिए, तो ट्रक वाला तो यही चाहेगा जहाँ रखा है वहीं का वहीं मूव करे, ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ट्रक ब्रेक मारेगा तो देखो सब्सटेंस हिल सकता है, क्यों, सूडो फोर्स। मुझे ये बताओ अगर ट्रक ब्रेक मारेगा तो इस पे सूडो फोर्स कहां लगेगी, पीछे कि आगे? ओह मेरे से गलती से पीछे लग गई, गलत हो गया मुझसे, डायरेक्शन गलत बन गई मुझसे, ठीक बोला आपने, आगे। अगर ये ट्रक आगे एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स कहां होगी, पीछे, और अगर रिटार्ड करेगा तो सूडो फोर्स आगे, सही है, डायग्राम करेक्शन कर रहा हूं मैं। तो इसके अंदर मुझे एम ए कहां लगाना चाहिए, आगे,
और फ्रिक्शन कहाँ लगानी चाहिए? पीछे, क्योंकि कौन बचाएगा? फ्रिक्शन, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ट्रक रिटार्ड करने वाला है। तो जब पैसेंजर भी जब खड़े होते हैं, अगर ट्रक मतलब ब्रेक लगा रहा है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरते हैं, जब एक्सलेट कर रहा है पैसेंजर पीछे गिरते हैं, तो सूडो फोर्स आगे लगेगी एम में। और ये अगर सब्सटेंस को रेस्ट पे रखना है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे। तो यानी कि इसके लिए एम ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस ब्लॉक के लिए एम ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स एम जी, तो एक्सलेशन म्यू जी। तो मुझे पता लग गया कि ट्रक की एक्सलेशन कितनी आने वाली है यहाँ से, म्यू जी। पर एक्चुअल में ट्रक एक्सलेट थोड़ा कर रहा है, देखो तो सही, इसकी स्पीड 20 से 0 हो रही है, तो ट्रक क्या कर रहा है? रिटार्ड। तो पूरे ट्रक के लिए V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 और रिटार्डेशन, वैसे हमने यहाँ से तो मैग्नीट्यूड म्यू जी निकाला, पर ट्रक के लिए तो माइनस म्यू जी करना पड़ेगा, कि वही क्वेश्चन तो ब्लॉक की क्वेश्चन थी। तो यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी कम हो रही है, और इंटू टाइम टी सॉल्व करके टाइम आ जाएगा। तो मतलब कि सूडो फोर्स और फ्रिक्शन को इक्वेट करके ट्रक की एक्सलेशन आ गई, तो ट्रक की ए की वैल्यू नेगेटिव साथ पुट करके आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? अभी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे मैं, सबके पास है गूगल ड्राइव? नहीं है तो प्लीज़ शेयर करवा लेना, इसकी करेक्शन करके डाल दूंगा अभी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक्स है? और ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो हमने पिछला चैप्टर किया वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेस बिल्डिंग था। देखो आप एक चीज़ नोट करो, फ्रिक्शन में तो एक फॉर्मूला ही काम आ रहा है, एफ इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा, बाकी तो सभी फोर्सेज और मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो मोशन इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है ताकि यहाँ पर दिक्कत ना आए। अब मैं ये सिखाने तो ना बैठूंगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। अब हम इतनी प्रैक्टिस करके आए हैं कि हमें बेसिक क्वेश्चन सही लग रहे हैं, इसलिए काइनेमेटिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसलिए फोर्स पे ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, वेक्टर पे ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, क्योंकि हर जगह वेक्टर ही वेक्टर चल रहे हैं। तो उस टाइम तो बंदे को लगता है कि मेरे को लगता है यार मेरे से ना नॉन मेडिकल मुश्किल लग रहा है, भाई इतने वैक्टर चाहिए कहाँ ज़िंदगी में, इतने चाहिए, ये रहे दो तीन वैक्टर बनाते हैं, हद से हद पैलोग्राम यूज़ कर लेते हैं, इससे ऊपर तो कभी यूज़ नहीं हुआ, उतना यूज़ होना है। पर लेकिन उस टाइम जो करवाते हैं तो काफ़ी डिटेल में करवाते हैं, ताकि कल को कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए कम से कम पता तो हो कि क्या करना है। इतना तो डॉट और क्रॉस यूज भी नहीं होता वैसे जितना हमने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बोलो, ये समझ में आ गया? ए ये एक्सलेशन किसकी है? ट्रक की। हाँ, बॉक्स से निकली पर थी तो ट्रक की, ट्रक की। ट्रक क्या कर रहा है? रिटार्ड। तो ए नेगेटिव पुट करेंगे ना, ट्रक की वेलोसिटी स्लो हो रही है ना, इसलिए। ये भी तो देखना है ना कि स्लो हो रही है कि फास्ट हो रही है। नहीं, ये तो करना है सर, अभी ये दिया नहीं था होमवर्क, ये करना जरा होमवर्क, ये अभी करो, सॉरी होमवर्क रहने दो, अभी कर लो, ये करना जरा, कैसे करेंगे इसे, ट्राई करो।
पहले मुझे ये बताओ, आपको ये स्टेप समझ में आया पहला, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा? और अगर नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन को देखते हुए ही अनाउंस किया था पहले बैच में कि अगली बार टेस्ट होगा, क्योंकि उनको क्लिक ही नहीं किया। ऐसे कैसे क्लिक नहीं किया? गोली चली, बक्से पे लगी, दोनों इकट्ठे मूव किए, ये तो पक्का केस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन है। कैसे? एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ये रहा 5 kg का एक वुडन ब्लॉक है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ब्लॉक में और नीचे ज़मीन पे फ्रिक्शन है, म्यू गिवन है, स्पीड ऑफ द बुलेट यू बताओ जब ये ब्लॉक को हिट करेगी, ताकि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कब बनेगा? जब बुलेट ब्लॉक को हिट करेगी, दोनों इकट्ठे आगे मूव करेंगे, तो वी हैव टू फाइंड अ कॉमन वेलोसिटी। तो जब भी बुलेट ब्लॉक को हिट करे और दोनों इकट्ठे मूव करें, पहला स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये डायग्राम हमने काफ़ी बनाए थे उस असाइनमेंट में, गोली चलने से पहले ये केस है, ब्लॉक रेस्ट पे है, बुलेट इसके अंदर आ गई, तो टोटल मास 5 kg और बुलेट का मास हो गया और कॉमन वेलोसिटी भी। तो पहला स्टेप मोमेंटम कंजर्वेशन, गोली लगने से पहले मोमेंटम, दिस मास इनटू यू, इसका 0, और टोटल मोमेंटम, टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी, यहां से सबसे पहले निकलेगी कॉमन वेलोसिटी। ये स्टेप है पहला, क्योंकि जब भी बुलेट ब्लॉक को लगेगी और इकट्ठे मूव करेंगे, आपने मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाया, मतलब ही नहीं आपका आंसर आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ करना भी मत। तो इसलिए वो असाइनमेंट करके आना मोमेंटम कंजर्वेशन की, वो साइन न्यूमेरिकल करके आओगे, सब याद आ जाएगा आपको, वो जरूरी है करना। तो पिछले असाइनमेंट में से क्वेश्चन दूंगा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन के, जो हमने शीट है, ठीक है? तो ये स्टेप क्लियर है, तो यू तो निकालना है और कंबाइंड वेलोसिटी वी है, तो पहले यहां तक देख लो। फिर उसके बाद अब सोचो, इसके अंदर बुलेट लगी हुई है, अब अगली सिचुएशन देखो, अब ये ब्लॉक चल पड़ा विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और फ्रिक्शन इसको रोकेगी, इसकी वेलोसिटी क्या कर देगी? 0। तो आपको बताना है कि यू क्या था, तो 20 मीटर पे जाके रोकेगी, तो तुम क्या लगाओगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस कंबाइंड वेलोसिटी स्क्वायर इज 2 × a × 20। अब कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन रोकेगी, तो बोलो फ्रिक्शन एक्सलरेटिंग फोर्स है कि रिटार्डिंग? रिटार्डिंग है, तो साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। तो एक्सलेशन माइनस म्यू जी, तो याद ही हो गया, ए की जगह माइनस म्यू जी, एक्सलरेटिंग होता तो प्लस म्यू जी, रिटार्डिंग है तो माइनस म्यू जी। इस ए को उठा के यहां पे पुट कर दिया, वेलोसिटी वी हमने वो निकाल ली, उसको उठा के यहां पे पुट कर दिया, ए को पुट कर दिया, म्यू पता है, यू निकालना है, इस पूरे एक्सप्रेशन से यू निकाल लो, आंसर आएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो पहले किया मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन में गोली लगने से पहले मोमेंटम और बाद में मोमेंटम सेम, तो वी आ गया। तब गोली लगते ही ब्लॉक चलेगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और फाइनली वो रुकेगा यहां पे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। एक्सलरेशन तो पता ही है, रिटार्डेशन माइनस म्यू जी होती है, हर क्वेश्चन में कर लिया अब तो हमने, और वी हमने ये निकाल लिया, पूरे का पूरा वी यहां पे पुट कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, यू आएगा। बड़ा क्वेश्चन है पर टेक्निक क्लियर है, ठीक? तो आज के बाद जब भी ब्लॉक पे बुलेट लगे और दोनों इकट्ठे चले कॉम्बिनेशन, 101% पहला स्टेप यही रहेगा, फाइंडिंग द कॉमन वेलोसिटी, नहीं तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे से पढ़ के आना, ये वाला केस पक्का दूंगा अगले टेस्ट में, बुलेट वाला कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लो, अच्छे से करके आना। लास्ट क्वेश्चन करना है, जिन्होंने लिख लिया क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।
देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझ लो प्लीज़, एक मिनट। क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ मासेज हैं, एक 10 kg का मास है, एक 5 kg का मास है। यहाँ देख लो, एक 10 kg का मास है, ए और बी मास है। तो शुरू में यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये मास मैंने रखा नहीं था, तो हो क्या रहा था, दोनों मासेज ना नीचे गिरते जा रहे थे। तो बताओ मैं कितना मास रखूँ 10 kg के ऊपर ताकि सिस्टम रेस्ट पे आ जाए। पहले मुझे ये बताओ, इस मास को रखने से क्या ऐसा होगा कि चलना बंद कर देगा, क्या बढ़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन और फिर फ्रिक्शन, क्योंकि जितना भार होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन और उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन। ठीक है यहाँ तक? तो क्वेश्चन है, एम आपको निकालना है, सिस्टम रेस्ट पे, टेंशन टी एन टी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 5g, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे, एम आपको निकालना है। और ये क्यों मूव नहीं कर पा रहा, मान लो कंबाइंड मास है 10 प्लस एम का, तो टोटल वेट कितना है, 10 प्लस एम इंटू जी, एम तो निकालना है आपको, तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, एम प्लस 10 इंटू जी, और फ्रिक्शन पीछे होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू एफ, टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल होगी तो सिस्टम नहीं मूव करेगा। फ्रिक्शन क्या, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो है हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमें टेंशन दे रही है, इक्वेशन नंबर 2 से भी टेंशन आ गई, टेंशन टेंशन इक्वेट कर लो, एम आ जाएगा आंसर।